मैं सोच रहा था आपको टॉपिक करवाने के लिए, लेकिन मुझे याद आया कि एक बार आप लोगों को प्रश्नों से भी रूबरू करवाते चले हम लोग, है ना। तो ये जो प्रश्न पत्र है ये समाजशास्त्र का पेपर है, समाजशास्त्र यूजीसी नेट का है और जून 2013 का है, जून 2013 का यूजीसी नेट का सोशियोलॉजी समाजशास्त्र है। आपको बता दें कि ये क्लास तो बेसिकली एमपीपीएससी का है, तो एमपीपीएससी जो आयोग है इसने बेसिकली यूजीसी नेट का जो समाजशास्त्र का सिलेबस है उसको इसने फॉलो कर रहा है, तो इसलिए यूजीसी नेट का समाजशास्त्र के प्रश्न पत्रों को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। अब ये समाजशास्त्र है तो समाजशास्त्र वनडे एग्जाम जो भी हो रहे हैं मेडिकल सोशल वर्क के, या मैं आपसे यूजीसी नेट की बात करूं, उनमें भी इसमें से एकाध प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, कॉन्सेप्ट पर भी हो सकता है, फैक्ट पर भी हो सकता है। तो ये पार्ट टू है, पार्ट वन जो है मैंने आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है, अभी उसका जो है लिंक मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा पार्ट वन भी, ठीक है। ये पार्ट टू है, शाम की क्लास यूजीसी नेट की है, शाम 7 बजे से। टॉपिक होगा आज का समाज कार्य और पर्यावरण, और कुछ पॉइंट्स रह गए हैं कल वाले पॉइंट्स को उसको रिलेट कराते हुए फिर मैं बढ़ूंगा समाज कार्य और पर्यावरण को लेकर शाम को 7 बजे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे 8:30 बजे DSSSB का मेडिकल सोशल वर्क का टॉपिक चल रहा है वहां पे, तो उसके अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे सामाजिक विकास, सामाजिक परिवर्तन और पंचवर्षीय योजना भी हम लोग थोड़ा सा आज चर्चा करेंगे 8:30 बजे क्लास में, शाम को DSSSB की है ना। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 जून 2013 का, और क्वेश्चन नंबर आज का पहला है ये कि निम्नलिखित में से कौन जोखिम समाज के विचार से संबंधित है। जोखिम समाज के विचार से संबंधित है, ये आपके सामने ऑप्शन है 4, उल्रिक बैक ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी उल्रिक, बिल्कुल यहां सही जवाब उल्रिक बेक का नाम आएगा। आपको बता दें कि उल्रिक बेक ने सामाजिक कार्य के अंतर्गत या समाज शास्त्र के अंतर्गत इन्होंने जोखिम समाज के विचार से संबंधित कुछ बातें कही है। कहा है कि जो हमेशा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जो हमेशा जोखिम उठाने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, जैसे कुछ समाजों में चोरी करने को गलत नहीं माना जाता, कुछ समाज में चोरी करने को गलत नहीं माना जाता है, वे चोरी करने को अपना पेशा मानते हैं जो उनकी जीविका उपार्जन का साधन होता है ना। तो यहां उल्रिक बेक महोदय के द्वारा जोखिम समाज उसी को कहते हैं। तो कुछ लोग हैं ऐसे जो चोरी को बेसिकली अपराध नहीं मानते, उसको पेशा मानते हैं क्योंकि वो जीविका उपार्जन चलाते हैं, वैसे लोगों के लिए ये जोखिम समाज है, और इसी का विचार उल्रिक बेक ने किया था, और ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों की उत्तरजीविका के विचार, सॉरी उत्तरजीविका के अधिकार, उत्तर जीविका के अधिकार के बीच संघर्ष से पारिस्थितिकी आंदोलन उभर रहे हैं, है ना, पारिस्थितिकी आंदोलन उभर रहे हैं। अच्छा ये बात आप सबको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधनों का सर्वाधिक दोहन मानव समुदाय के लिए नुकसानदेह है ना। अब आप देखिए कि जब प्राकृतिक संसाधनों और लोगों के उत्तरजीविका के अधिकार के बीच में संघर्ष और परिस्थिति के आंदोलन उभर रहे हैं, और ये बात करेक्ट, जब प्राकृतिक संसाधनों में सर्वाधिक दोहन होगा तो मानव आंदोलन या एक प्रकार से मानव समुदाय के लिए वो नुकसानदेह होगा, तो जाहिर सी बात वहां पर आंदोलन की प्रक्रिया उभर जाएगी। तो जो पहला पॉइंट है अभिकथन है ये आप, फिर कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों का
अवक्षय तथा पर्यावरणीय अवक्रमण के लिए जनसंख्या में वृद्धि जिम्मेदार है। जी सर, ये भी सत्य है। हाँ जी सर, ऐसा हो सकता है सर। एक पॉइंट जो है जिम्मेदार है, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि अवक्षय का मतलब क्या है। बता सकते हैं अवक्षय का मीनिंग क्या दर्शाता है? कमी सर, कमी होना, चरण होना। जी कमी, कमी होना, में कमी हो रही, कम हो रहे हैं जी। एक प्रकार से क्षय हो जाए, जो सर भंगुर हो जाती जो चीज, या पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। हाँ हानि, बिल्कुल ठीक है। इस तरीके का जो पर्यायवाची शब्द रिलेट हो रहा है, कमी हानि नाश, वो कहीं ना कहीं अवक्षय शब्द को दर्शा रहा है। तो प्राकृतिक संसाधनों की हानि और पर्यावरणीय अवक्रमण के लिए ही जनसंख्या वृद्धि जिम्मेदार है। अच्छा, ये बात करेक्ट है कि नहीं बताइए एक बार। सही जी सर, अगर सत्य होगी तो जमीनें कम होंगी, क्षेत्रफल कम होगा, लोग प्राकृतिक को नुकसान पहुंचाएंगे, पेड़ पौधों को काटेंगे, और ये बात करेक्ट है। तो मैं आपसे कहूंगा कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि इसकी व्याख्या है या नहीं है? सर है व्याख्या भी है सर, है सर व्याख्या। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि व्याख्या जो है वो वाले स्टूडेंट बताइए कैसे व्याख्या है प्लीज। सर क्योंकि वहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों पे बात कर रहे हैं और मानव की उत्तरजीविकता के अधिकार के बीच में संघर्ष की बात कर रहे हैं। बेसिकली संघर्ष कैसे पैदा हो रहा है, तो वहाँ पे हम प्राकृतिक संसाधनों का फिर क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि वो कम हो रहे हैं, हम उनका ज्यादा यूज कर रहे हैं इस वजह से। हाँ सर, सही बोल रहे। अच्छा, जो बता रहे हैं व्याख्या है जरा वो बता, जो व्याख्या नहीं वो बताइए जरा। जो लोग कह रहे हैं सर व्याख्या इसलिए नहीं है कि प्राकृतिक संसाधनों ऊपर और नीचे वाले सेम है, लेकिन यहाँ क्षय की बात हो रही है और पर्यावरण की बात हो रही है। सर जनसंख्या को उत्तरदायक मान रहे और वहाँ पे परिस्थिति को लेकर संघर्ष के लिए। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, फिर से सुनिएगा, जिन बच्चे कह रहे थे व्याख्या है समझिएगा ध्यान से। अभिकथन कहता है कि प्राकृतिक संसाधनों एवं लोगों की उत्तरजीविता के लिए अधिकार के बीच में पर संघर्ष होता है, उस संघर्ष से पारिस्थितिकी आंदोलन होता है। ये बात करेक्ट है। यहां कारण नहीं बताया गया है और ना ही प्राकृतिक संसाधनों के बारे में आपसे बता रहा कि इस वजह से वो आंदोलन का रूप ले रहा है। यहां तो जनसंख्या वृद्धि के जिम्मेदार बता रहा है कि भाई प्राकृतिक संसाधनों का हानि हो रही है, पर्यावरणीय अवक्रमण हो रहा है, उस पर पर्यावरण पर ये बताया जा रहा है। ये आंदोलन नहीं बताया जा रहा है आपसे कि जनसंख्या वृद्धि की वजह से आंदोलन हो रहा है। दोनों बातें अलग अलग हैं। यहां सही बात है ऑप्शन आपका बी, जो अस्पष्टीकरण नहीं करता है। आर ए की, ये आर है, ये आर पॉइंट ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताइए। जी सर आगे आगे आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखिए, टालकॉट पार्सन्स महोदय ने मरीजों के लिए रुग्ण, रुग्ण का मतलब क्या होता है? बीमार, बीमारी। यस। और इसकी भूमिका के स्तंभों का उल्लेख कीजिए, है ना। तो सही समायोजन बतलाइए, पहला पॉइंट क्या करा, पॉइंट को ध्यान अगर रहेगा तो आप सही तरीके से उसकी व्याख्या कर पाएंगे। पॉइंट को समझिएगा, पहला पॉइंट कहा टालकॉट पार्सन्स ने मरीजों के लिए बीमारी में क्या भूमिका हो सकते हैं, उनके क्या स्तंभ है। तो कहा कि बीमारी ग्रसित होने के लिए रुग्ण व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है, पर्यावरण हो सकता है, अन्य वहां के खान पान भी हो सकते हैं, कुपोषण भी हो सकता है। क्या इस बात से सहमत हैं आप लोग कि व्यक्तिगत रूप से वो जिम्मेदार नहीं है? यस सर। भाई अगर आप गरीबों के लिए पौष्टिक आहार वगैरह नहीं प्रोवाइड करोगे तो आप तो हुए जिम्मेदार, फिर वो व्यक्तिगत थोड़ी तरीके से हुआ गरीब। तो ये बात सही लिखा गया है कि व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है वो, ये टालकॉट पार्सन्स का मत है, उसका विचार है। और फिर आपसे दूसरा पॉइंट कहता है कि अपनी बीमारी के लिए अपनी अपने आप को सोचना है, इस प्रश्न में अपनी बीमारी के लिए व्यक्ति जिम्मेदार है।
अगर मैं पहले वाले को सत्य मान रहा हूं तो दूसरे वाले को असत्य मानना पड़ेगा। हाँ सर। है कि नहीं? तो मैं आपसे कहता हूं कि ये बात आपकी दूसरे वाले जो पॉइंट है ये टालकाट पार्सल गलत है, एक बीमारी में स्तंभ के रूप में जिक्र नहीं किया है। और ये बात भी अगर मैं बात करूं तो सत्य नहीं है, इनकरेक्ट है, असत्य है। और फिर रुग्ण व्यक्ति कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होते हैं या है। फिर कहता है कि रुग्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सक से परामर्श करना पड़ता है, क्या ये बात सत्य है? यस सर। जी सर, ये भी बात सत्य है। तो पहला, तीसरा और चौथे को करेक्ट करिए। पहला, तीसरा, चौथा ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो थर्ड आपका करेक्ट है ना। तो रुग्ण व्यक्ति बेसिकली कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार है और रुग्ण व्यक्ति को स्वास्थ्य लाभ के लिए चिकित्सक से परामर्श करना पड़ता है। बीमारी ग्रसित होने के लिए रुग्ण व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है, रुग्ण व्यक्ति कुछ अधिकारों और विशेषाधिकारों का हकदार होता है, ये बात करें। तो टालकाट पार्सन्स जो है अमेरिकी के एक समाजशास्त्री विद्वान थे जिन्होंने सामाजिक व्यवस्था पर अपनी एक ग्रांड थ्योरी दी थी। कौन सी थ्योरी दी थी सर? ग्रांड थ्योरी। ग्रांड थ्योरी। और इसी ग्रांड थ्योरी में, इसी ग्रांड थ्योरी में रुग्णता जैसे शब्द को रिप्रेजेंट किया था, रुग्णता जैसे शब्दों को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है, टालकाट पार्सन्स ने। टालकाट पार्सन्स ने याद रखिएगा कहा था कि मरीजों के लिए रुग्ण भूमिका के स्तंभों का उल्लेख, तो वो ग्रांड थ्योरी में, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ग्रांड थ्योरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ग्रांड थ्योरी एक अमेरिकी विद्वान थे जिनका नाम सी राइट्स मिल्स मिलता है, सी राइट मिल्स मिलता है। इन्होंने द सोशियोलॉजिकल जो है इमेजेशन, द सोशियोलॉजिकल इमेजेशन की एक किताब लिखा था, उस किताब में ग्रांड थ्योरी यानी भव्य सिद्धांत दिया था, तो मिल्स का नाम वहां पे आता है। मिल्स का नाम वहां पर हमें देखने को मिलता है जहां सोशियोलॉजिकल इमेजेस, इमेजन की बात होती है, सामाजिक वास्तविकता की बात होती है। मिल्स का मुख्य लक्ष्य टालकाट पार्सन्स थे, टालकाट पार्सन्स थे मेन, जो मिल्स महोदय थे, राइट मिल्स महोदय, इन्होंने पार्सन्स की थ्योरी को लक्ष्य बनाकर ही इसका प्रतिपादन किया था, इसी का प्रतिपादन किया था। लेकिन अगर पूछता है कि किसके द्वारा दिया गया था, तो वो दिया गया था टालकाट पार्सन्स के द्वारा, ठीक है। प्रौद्योगिकी प्रगति तेजी से हो रही है, क्या ये बात सही है? जो प्रौद्योगिकी गति है वो तेजी से हो रही है। सही है सर। सही है सर। अच्छा, अगर ये सही है, यदि आप सही कह रहे हो तेजी से हो रही है, तो मैं कहता हूं क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? तो आप कहते हैं कि क्योंकि या सूचना और संप्रेषण प्रौद्योगिकी के रूप में ज्ञात जो दूर संचार है, जो कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी है, उसके प्रसार के कारण हुआ है ये प्रौद्योगिकी। राइट है जी सर, सही है, सही है सर। इसकी वजह से ये प्रौद्योगिकी प्रगति जो तेजी से हुई है, तो मैं कहूंगा कि इसकी व्याख्या बताइए, हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है सर। हो रही है यस सर, हो रही है। अगर हो रही है तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, इसमें तो कोई व्याख्या वाला है, ए ऑप्शन सही है। परंतु ये सही और आर सही हो जाएगा सर, इसका व्याख्या नहीं होगी सर, उसका कारण है। बिल्कुल, यहाँ पर आप ए को प्राथमिकता दे सकते हैं, ये हो जाएगा, प्राथमिकता भी दे सकते हैं, ठीक है, ये आपका करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24, 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है, यह आपको बताना है। दुर्खिम, बेबर और अगस्त कामटे और मिसेल्स फूको, चार ऑप्शन।
मिसेल्स फूको ने लिया था। किसने ने लिया था? मिसेल्स फूको। एम फूको। तो एम फूको ने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है। इन्होंने कहा है कि सामाजिक रचना करने में भाषा और ज्ञान शक्ति के आधार तत्वों का कार्य करते हैं। मानव शरीर को नियंत्रित करने में ज्ञान और भाषा की भूमिका विशिष्ट प्रभावशाली होती है। उन्होंने शक्ति और ज्ञान के तत्वों को लेकर उत्तर संरचनावादी सिद्धांत को निर्मित किया था। किसने? मिसेल्स फूको ने। फूको ने शक्ति और ज्ञान के तत्वों को लेकर उत्तर संरचनावादी सिद्धांत को निर्मित किया और इसी प्रकार उन्होंने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष ना लेकर ज्ञान के आधार के तत्वों को निर्मित कर दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि ऑप्शन नंबर आप डी को चुनाव कर दीजिए और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहता है सूची 1 में संकल्पना, सूची 2 में लेखक। अब आपको जवाब देना है 23 का जवाब। सिंपल सवाल है की बात करते हैं, कामुकता की कॉन्सेप्ट था मिसेल्स फूको की। किसका था? मिसेल्स फूको की। फूको ने कहा था कामुकता के विषय में सोचने, लिखने और बातचीत करने के लिए जिस प्रकार हम भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे पृथक वस्तुपरक मानवीय कामुकता जैसी कोई चीज ही नहीं है। तो कामुकता की संकल्पना को प्रस्तुत करने वाला कोई विद्वान था सोचने, लिखने, बातचीत करने के संबंध में, तो वो थे मिसेल्स फूको। एम फूको। और जोखिम समाज अभी अभी आपने पढ़ा, बेक का नाम, जिसने कहा था कि चर्चा किया कि जिसमें गलत कार्य को भी अपनी जीविका को साधन मानने का कारण सही मान लिया। चोरी करना क्या मान लिया? सही मान लिया, क्योंकि वो जीविका चलाता है अपना। तो ऐसे लोग जोखिम समाज का पार्ट बन जाते हैं। उल्रिक बेक। संचरण कार्य हेबरमास हो जाएगा। हेबरमास ने संचरण कार्य की संकल्पना को और इसमें उन्होंने कहा कि मनुष्य की तर्क संगतता उसकी स्वतंत्रता का नहीं बल्कि प्रभुत्व का साधन बन चुकी है। इस प्रकार मानव का उद्धार के लिए तर्क बुद्धि के मौखिक कार्य को पुनः स्थापित करना आवश्यक होगा और इसलिए हेबरमास ने संचरण कार्य को रिप्रेजेंट किया। और अति यथार्थता का मतलब होता है एक प्रकार से जे बाउंड्री लार्ड महोदय की, इसकी संकल्पना प्रस्तुत करने वाला विद्वान था तो बॉडी लार्ड महोदय का नाम आता है। और आप मैच कर सकते हैं पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आप यहां पर मैच कर सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर अति यथार्थ क्या होता है? अति कोई चीज अति आवश्यक मतलब ज्यादा के रूप में रिप्रेजेंट कर देना। अति सत्यता पर आधारित, अधिक ज्यादा से ज्यादा यथार्थता पर चीजों पर रिलेट कराता हो तो उसे ही अति यथार्थता कहते हैं, उसे ही हम लोग अति यथार्थता कहते हैं, जब ज्यादा के रूप में वास्तविकता को रिलेट कराए। ठीक है, अति यथार्थतावाद, जब कोई कलाकार या लेखक मन के भीतर या स्वप्न में चलने वाली अतार्किक या अजीबोगरीब क्रिया या प्रतिक्रिया, विचार, उद्वेलन को जिस रूप में व्यक्ति महसूस करता है, उसी रूप में जब वह साहित्य या किसी भी अन्य कला के माध्यम से व्यक्त करता है तो उसकी अभिव्यक्ति को अति यथार्थवाद कहा जाता है, क्योंकि वो सत्यता को मानता है। और अत्य यानी अति का मतलब अधिकता के रूप में, अति के रूप में, अधिकता के रूप में। और यथार्थवाद की बात किसने कहा है? तो यथार्थवाद तो अरस्तु का नाम आता है। किसका नाम आता है? अरस्तु का नाम आता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका यहां पर चला जाएगा पहला वाला। 23 क्वेश्चन नंबर, सॉरी 24 क्वेश्चन नंबर हमारे सामने, जरा एक बार मैच करिएगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतवादी ने समसामायिक समाज को एक ऐसी मृत संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक पृथकताओं और भेदभाव का उदाहरण है? बताइए। बताइए।
आवाज क्लियर है? सर आवाज क्लियर है। ओके सर, जे बाउंड्री लॉर्ड सर, ए वाला। हाँ, जे बाउंड्री लॉर्ड ने समसामायिक समाज को एक ऐसी मृतक संस्कृति बताया जिसकी मृत्यु सभी सामाजिक प्रतिकृताओं और भेदभाव का उदाहरण है। मृत्यु की यह अभिव्यक्ति जीवन और मृत्यु का दोहरा विरोध दर्शाती है। इस कॉन्सेप्ट में अगर किसी का नाम आया तो वो जय बॉडरी लार्ड का नाम आया और ऑप्शन आपका पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 के द्वारा सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में निम्नलिखित में से किसे नहीं किया जा किया गया है, यह आपको जवाब देना है। करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए बताइए। आर्थिक संरक्षणवाद सर। ओके सर, आर्थिक संरक्षणवाद। ठीक है, यहां अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ऑप्शन सही जवाब है आर्थिक संरक्षणवाद। विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 का है, यह आपको ध्यान रखना है, 1995 का है, 1995 का। सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में आर्थिक संरक्षणवाद को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। आर्थिक संरक्षणवाद वैश्वीकरण के विरुद्ध है। यदि विश्व के अन्य देशों को कोई देश अपने यहाँ व्यापार करने से रोकता है और तरह तरह के शुल्क और प्रतिभार लगाकर यानी टैक्स लगाकर अपने घरेलू उद्योगों से जुड़ने से रोकता है तो यह वैश्वीकरण की विपरीत प्रक्रिया है। और इस संबंध में विश्व विकास शिखर सम्मेलन 1995 वाली प्रक्रिया में सामाजिक विकास के उद्देश्य के रूप में आर्थिक संरक्षणवाद एक ऐसा शब्द है जो भी निर्दिष्ट नहीं किया गया है। जन सशक्तिकरण की बात करते हैं तो ये विकास की बात करेगा, जन पहल की बात करते हैं तो विकास की बात करेगा, जन क्षमता की बात करेंगे तो विकास का काम करेगा। यानी जनता के पॉजिटिव परिपेक्ष में है ये तीन ऑप्शन, और एक भी निर्दिष्ट नहीं करता वो आर्थिक है, जो ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 इंपॉर्टेंट सवाल है, योजना कार्यक्रम से है, कब कौन सी योजना आई, कब कौन सा कार्यक्रम आया, इसको ध्यान रखना होगा। जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति अब अगर परीक्षा में आएगा तो वो 2020 आएगा जी सर। अब यहाँ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्योंकि ये 2013 का पेपर है। जी सर, साक्षरता मिशन की बात करता हूँ तो 1988 यस सर। स्वास्थ्य नीति की बात करता हूँ तो 2002। राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना की बात करता हूँ तो 2001 है ना। तो सही ऑप्शन हो रहा है सर, पहला है, तीन पहला हो रहा है, पहला ऑप्शन आ रहा है। नहीं सर, सेकंड आ रहा है, सेकंड बी ऑप्शन। हाँ, बी ऑप्शन आ रहा है भाई, बी ऑप्शन आ रहा है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब हो गया। सर ये लास्ट वाली योजना कौन सी है, भारतीय महिला विकास परिदृश्य योजना? देखिए ये राष्ट्रीय महिला विकास, आपने एक पढ़ा होगा महिला सशक्तिकरण की नीति है ना, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, एक बार कंफर्म करिएगा। जी जी सर, उसी का ये पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। तो महिलाओं के लिए सहायक सेवाएं जैसे बच्चों की देखभाल सुविधाएं, कार्यस्थल तथा शिक्षण संस्थाओं में पालना घर जिसको क्रैच कहते हैं, वृद्धालाओं, दिव्यांग महिलाओं के लिए घर जैसी सुविधाओं का विस्तार करने के संबंध में ये प्रक्रियाएं शुरू की गई राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति में, और उसी का ये पार्ट है, ये उसी का पार्ट है। तो याद रखिएगा इसके अंतर्गत राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना को ही हम लोग बोलते हैं सर्वांगीण विकास करना महिलाओं के परिप्रेक्ष्य में, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा चलाया गया था, उसको आर्थिक रूप से
सशक्त करना है, सामाजिक रूप से सशक्त करना है ना, लैंगिक पूर्णता को अस्वीकार करना है, ये सारी बातें इसी के अंतर्गत आती है। आपको बता दें उन्हीं सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत आप सभी लोगों ने कुछ बातें सुना होगा, जैसे यहाँ आप नोट कर सकते हैं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB के तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा आप सभी के लिए। आपने सुना होगा बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना, और यह योजना 2015 में आई थी। लिंग आधारित लिंग चयनात्मक उन्मूलन को रोकना था, बालिकाओं की उत्तरजीविका और सुरक्षा को सुनिश्चित करना था, बालिकाओं की शिक्षा एवं भागीदारी को सुनिश्चित करना था, यह इस योजना का पाठ था जो महिला सशक्तिकरण योजना को रिलेट करते हुए राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना को भी संबोधित करती थी। वहीं आपने नाम सुना होगा वन स्टॉप सेंटर योजना। इस योजना का भी विकास 2015 में हुआ। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को निजी एवं सार्वजनिक दोनों स्थानों पर सहायता और सहायता प्रदान करना, FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में सुविधा सहायक होना, ये वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत कही गई थी। महिलाओं और लड़कियों को मनोसामाजिक सहायता एवं परामर्श प्रदान करना, वन स्टॉप सेंटर योजना के अंतर्गत ये बातें कही गई, जो राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 के अंतर्गत मेंशन किया गया। आपने नाम सुना होगा महिला हेल्प, महिला हेल्पलाइन योजना। हेल्पलाइन योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन सभी योजनाओं को ध्यान रखिएगा। 2016 में लाया गया, हिंसा से प्रभावित महिलाओं को टोल फ्री 24 घंटे दूर संचार सेवा प्रदान की गई इस योजना के अंतर्गत। पुलिस, अस्पताल, एम्बुलेंस सेवाएं, जिला कानूनी सेवाएं, प्राधिकरण या संरक्षण अधिकारी जैसी उपयुक्त एजेंसियों को रेफरल के माध्यम से संकट और गैर संकट हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करने में एक अहम भूमिका निभाया है महिला हेल्पलाइन योजना। हिंसा से प्रभावित महिलाओं को उस स्थानीय क्षेत्र की विशेष स्थिति में जहां वह रहती हैं या कार्यरत हैं उपलब्ध उचित सहायता सेवा, सरकारी योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी भी प्रदान करती है यह महिला हेल्पलाइन योजना। उसके बाद आप लोगों ने सुना होगा उज्ज्वला योजना के बारे में, जो 2016 की है। मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना के तहत उन सब चीज़ों के बारे में जो रिलेट कराता है एक प्रकार से। तो ये आपका 2016 उज्ज्वला आता है, जहाँ बताया गया है ये 2016 नहीं होगा, 2007 होगा आई थिंक। 2007 मानव तस्करी वाला तो 7 होगा सर, 2007 को रिलेट करा देगा 2016 की बात करेंगे, 7 की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो चीजें याद आ रही होंगी कि व्यवसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकना होगा, महिलाओं को उसके शोषण के स्थान से बचाने और उन्हें सुरक्षित हिरासत में रखने की सुविधा प्रदान करते हैं, पीड़ितों को आश्रय, भोजन, कपड़े, परामर्श सहित चिकित्सा उपचार, कानूनी सहायता, मार्गदर्शन और व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को प्रदान करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक दोनों तरह के पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने की बात करता था उज्ज्वला योजना, जो 2007 की थी। बड़ा फेमस रहा है, परीक्षा में खूब पूछा गया है, ये याद रखिएगा। और ये भी राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना 2001 के अंतर्गत ये बात करता है। साथ ही साथ आपने एक और नाम सुना होगा कामकाजी, जो महिलाओं से इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो नोट करवा दे रहा हूँ, उसको नोट कर लीजिएगा। कामकाजी महिला छात्रावास का नाम सुना होगा आप लोगों ने, और यह योजना 1972 और 73 की प्रक्रिया है, 1972 और 73 की यह प्रक्रिया है, जहाँ कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक स्थान पर आवास उपलब्ध कराने को बढ़ावा देता है। कामकाजी महिलाओं के बच्चों, लड़कियों के लिए 18 वर्ष से
आयु तक के लड़कों के लिए 5 वर्ष की आयु तक की आवास उपलब्ध कराने की बात की गई है इस कामकाजी महिला छात्रावास में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, लड़कियों के लिए 18 वर्ष की आयु तक और लड़कों के लिए 5 वर्ष की आयु तक आवास उपलब्ध कराया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गर्ल्स पूछेगा तो 18 बताएंगे, बॉयज पूछेगा तो आप 5 बताइएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। उसके बाद आपने नाम सुना होगा स्वाधार गृह योजना के बारे में। स्वाधार गृह योजना के बारे में जो 2018 को रिलेट कराता है, संकट ग्रस्त महिलाओं के लिए आश्रय, भोजन, कपड़े, चिकित्सा, उपचार और देखभाल की प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है ये स्वाधार गृह योजना, जो महिलाओं को कानूनी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है स्वाधार योजना। और उसके बाद आपने सुना होगा महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम को सहायता। आपने स्टेप एक नाम सुना होगा, स्टेप सुना है, स्टेप का नाम? जी सर सुना, जी सर। हाँ, जब स्टेप की बात आती है ना, जब ये स्टेप की बात आती है तो उसके अंतर्गत इस योजना में जो जिक्र किया गया महिलाओं को बढ़ावा दिया गया। एक प्रकार से कभी कभी परीक्षाओं में स्टेप का पूरा नाम पूछता है तो आप हिंदी में यही बताइएगा कि महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम को सहायता, या आपसे इंग्लिश में पूछेगा तो आप नोट कर लीजिएगा इसकी जो फुल फॉर्म होता है वो होता है सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन। ये बात आप जरूर ध्यान में रखेंगे क्योंकि इम्पॉर्टेंट है ये स्कीम, और ये स्कीम बेसिकली लॉन्च किया गया था 1986 और 87 के दौर में ये लॉन्च किया गया था 1987। महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले कौशल प्रदान किए गए, देश में 16 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को लाभ पहुंचाना इस स्कीम का लक्ष्य था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपने सुना होगा नारी शक्ति पुरस्कार के बारे में। नारी जी सर सुना। देखिए मैं आपको टॉपिक से अलग नहीं लेके चल रहा हूँ, वही क्वेश्चन के आधार पे ही आपको बता दें, किसी बच्चे ने पूछा है तो राष्ट्रीय महिला विकास परिदृश्य योजना के अंतर्गत कुछ प्रक्रियाएं संचालित हैं, आप इस तरीके से इसको मेंशन कर सकते हैं। 2016 का ये योजना है, समाज में महिलाओं को स्थान मजबूत करने के संबंध में ये है। समाज में महिलाओं की प्रगति और विकास की दिशा में काम करने वाली संस्थानों को सुविधा प्रदान करने के संबंध में है नारी शक्ति पुरस्कार योजना जो 2016 में आई थी। आपने एक और नाम सुना होगा महिला शक्ति केंद्र 2017, टोटल महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण बनाना जहां उन्हें स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्ता शिक्षा, मार्गदर्शन, रोजगार आदि तक पहुंच हो सके। देश में बालक और जिला स्तर पर इन अवसरों को सुविधाजनक बनाया जा सके, इस तरीके की बात महिला शक्ति केंद्र के अंतर्गत कही गई थी जो 2017 में आया था। उसके बाद आपने नाम सुना है निर्भया, या निर्भय आप कह लीजिए, जो 2012 में आया था। आप लोग जब पर्यावरण और समाज कार्य के बारे में पढ़ेंगे यूजीसी नेट में और DSSSB में तो वहां पर मैं आप लोगों को ये डीप में बताऊंगा, बट ये चीजें ध्यान रखिएगा कि निर्भया एक योजना या एक स्कीम भी कह सकते हो जहां विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए सुरक्षा की सुविधा प्रदान करता है, महिलाओं की पहचान और जानकारी की सख्त गोपनीयता को सुनिश्चित करता है, जहां तक संभव हो वास्तविक समय के हस्तक्षेप का प्रावधान करता है निर्भया स्कीम जो 2012 में आई थी।
उसके बाद आपने नाम सुना होगा महिला ई हार्ट करके, ई हार्ट जो 2016 का है, महिलाओं के लिए उद्यमिता के अवसर और ऑनलाइन सुविधा बनाना या सुविधा जनक बनाने की बात करता है। महिलाओं को ऑनलाइन बिक्री के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षित करना और उन्हें अपना उद्यम स्थापित करने में मदद करता है। उद्यम का मतलब समझते हैं, उद्यम का अर्थ जानते हैं क्या होता है? यस सर, होता है बिजनेस, होता है मेहनत, होता है उद्योग धंधा, होता है उद्यम का अर्थ, है ना, बिजनेस। हाँ, ये सब जो चीजें समझ में ना आए आप पूछ भी सकते हैं। और उसके बाद आपको एक लास्ट बता देता हूं, महिला पुलिस स्वयं सेवक, स्वयं सेवक 2016 महिलाओं के खिलाफ अपराध से लड़ने के लिए एक सार्वजनिक पुलिस इंटरफेस के रूप में काम करेगा, महिला पुलिस स्वयं सेवा। और व्यापक कार्य घरेलू हिंसा हो गया, बाल विवाह हो गया, दहेज उत्पीड़न हो गया, सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के द्वारा सामना की जाने वाली हिंसा जैसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा की घटनाओं की रिपोर्ट करना होगा, इस संबंध में महिला पुलिस स्वयं सेवक जो स्कीम है 2016 का, ये इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। तो ये सभी कहीं ना कहीं एक प्रकार से राष्ट्रीय महिला परिदृश्य योजना 2001 को रिलेट करा देती है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 27, एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है, आपको मैच करना है। 73वां संविधान संशोधन आप लोगों को भली भांति तरीके से पता है, 73वां संविधान संशोधन किसको रिप्रेजेंट करता है, महिला सशक्तिकरण को, पंचायत में महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण को। 73वां संविधान संशोधन की जब भी जिक्र होती है तो इस प्रक्रिया में आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखेंगे, आप सभी लोग, है ना। और आपको बता दे कि ज्ञान दूत एक योजना है, ई शासन, पहले तो आप इसको सुन लीजिए। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा महिला सशक्तिकरण लाने का प्रयास किया गया। यह अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ और इसमें जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति एक सीमित सॉरी जनता द्वारा चुने गए एक समिति या पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं स्वस्थानी या स्वयं स्थानीय स्वशासन का संचालन करते हैं और इनमें एक तिहाई स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, जो आप परीक्षा में पेपर यूजीसी नेट में इसी बार 13 दिसंबर को देखा था आप लोगों ने और यही पॉइंट रिलेट हो रहा था। तो प्रश्न पूछने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद ज्ञान दूत योजना का संबंध पूछा है, इसका संबंध किससे है, तो स्वशासन से है। किससे है बताइए, स्वशासन। देखिए स्वशासन इस योजना का मतलब आपने शुभारंभ एक धार जिले से वर्ष 2000 में इसको स्टार्ट किया गया और इसके अंतर्गत 5 ब्लॉक और 21 कंप्यूटर सेंटर को इंटरनेट नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायत को जोड़ा गया था। ज्ञान दूत योजना के माध्यम से सरकारी विभाग को विकासात्मक कार्यक्रम तथा मुक्त इंटरनेट सूचना प्रदान करने के लिए परस्पर जोड़ने का जो कार्य है वो कंप्यूटर के माध्यम से इस योजना के द्वारा किया गया था। इसलिए ज्ञान दूत योजना स्वशासन को रिलेट कराती है, इसलिए बी का पहला मैच हो जाएगा। मानव विकास प्रतिवेदन किसको रिलेट करेगा, UNDP को रिलेट कर रहा है। क्या आप जानते हैं UNDP क्या है? मुझे उम्मीद है कि आपको पता होना चाहिए जारी करता है। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, आपने सही बताया है UNDP के बारे में। और UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है जिसकी स्थापना 22 नवंबर
1965 को हुई थी यूएनडीपी का, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वैश्विक विकास कार्यक्रम है, और यह गरीबी कम करने का आधारभूत ढांचे के विकास और प्रजातांत्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है ना। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। इसके आज वर्तमान में अगर अध्यक्ष पूछता है तो नाम है अचीम स्टेनर, इसके अध्यक्ष है यूएनडीपी के। और उसके बाद आप लोगों ने नाम सुना होगा सभी लोगों ने, इंटरनेट के माध्यम से माल या सेवाओं की बिक्री या खरीद, तो यह रिप्रेजेंट करता है ई वाणिज्य, ई कॉमर्स, ई वाणिज्य, ई कॉमर्स। तो सेवाओं की बिक्री का संबंध है ई वाणिज्य से, और इसके अंतर्गत इंटरनेट के माध्यम से माल बेचा जाता है ना, व्यापार करने का एक तरीका है ये ई वाणिज्य। इसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री की जाती है, आज के समय में ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब है ई वाणिज्य, है ना। इसके लिए इंटरनेट सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है, या बुनियादी ढांचे के साथ साथ उपभोक्ता और व्यापार के लिए कई अवसर प्रस्तुत करता है ना। तो ये दर्शाता है कॉमर्स के बारे में, वाणिज्य के बारे में। तो भारत में ई कॉमर्स की क्या भूमिका है, इस चीज को यहां से आप समझ सकते हैं। तो सही ऑप्शन कौन सा मैच होगा जरा बताइएगा आप लोग, क्या ऑप्शन सी सही जा रहा है? जी सर, सी से। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा यहां पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है आपसे कि प्रतिदिन के जीवन में अंतः या अतः आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित में से या निम्नलिखित के मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है। आत्मनिष्ठ चेतना निम्नलिखित के मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है, जरा बताइए प्रतिदिन के क्षेत्र में कौन सा होगा। ऑप्शन का चुनाव करें प्लीज। सर दूसरा। पहला प्रवृत्ति परक होता है, प्रवृत्ति परक होता है। प्रतिदिन के जीवन में अंत या आत्म या अंत आत्मनिष्ठ की चेतना प्रवृत्ति परक होती है, और प्रवृत्ति परक के मुख्य केंद्र का क्षेत्र होता है, उसका मुख्य क्षेत्र होता है। क्यों होता है आपको मैं बता दूं, क्योंकि व्यक्ति के अंदर जिस चेतना का भाव होता है वह आंतरिक जागरूकता का भाव होता है, वह आंतरिक जागरूकता का भाव होता है ना। और आंतरिक जागरूकता यदि व्यक्ति की चेतना को जागरूक करती है तो वह व्यक्ति प्रवृत्ति परक अर्थात एक कार्य विन्यास का निर्माण करता है, उसी को प्रवृत्ति परक कहते हैं। इच्छा कामना अशक्ति ना हो, अपने कर्तव्यों का तत्परता से पालन किया जाए, वही प्रवृत्ति परक है। और प्रतिदिन के जीवन में अंतः आत्मनिष्ठ चेतना मुख्य केंद्र का जो क्षेत्र होगा वह प्रवृत्ति परक होगा, और पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। कर्मयोग, प्रवृत्ति परक कर्मयोग, जिसमें कर्म फल की इच्छा भाव कामना अशक्ति ना हो और अपने कर्तव्य का तत्परता से पालन किया जाए, वही प्रवृत्ति परक है, और ऑप्शन आपका पहला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सी बात है जो पी बर्सर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के लिए सही नहीं है। बाकी तो पी बर्सर और लकमैन की बातें होंगी, आपको बताना वो कौन सी बात नहीं है। तो ध्यान से सुनिएगा, पी बर्सर और टी लकमैन ने ज्ञान की विधिमान्यता से अधिक चिंतित हैं। इन्होंने पी बर्सर और टी लकमैन के ज्ञान को रेखांकित करने के सही रूप में नहीं दर्शाया गया है, तो वह है ज्ञान के विधिमान्य से काफी चिंतित है, ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं। बाकी देखो, ज्ञान के विधिमान्य का संबंध है
उस प्रतिक्रिया या प्रक्रिया के संबंध में जिसके माध्यम से व्यक्ति ज्ञान के ज्ञान को वास्तविक रूप से समझा जाता है, ये भी है। सामाजिक तथ्यों को नहीं बल्कि मानव के संव्यवहार को सामाजिक आशय का सृजन पर बल देता है, ये भी है। लेकिन ऑप्शन नंबर आपका जो बी है ये नहीं है, टी बर्जर और लकबैन का। आपने एक किताब इनका सुना होगा, द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी, किसकी किताब, पी बर्जर और लकमैन की, 1967 में किताब आई थी। किताब का नाम फिर से सुनिए, द सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ रियलिटी में ज्ञान के समाजशास्त्र के नियमों को उजागर किया था और वह ज्ञान को विधि मान्यता से असंबंध मानते थे, असंबंध मानते थे। ठीक है, तो असंबंध मानते थे तो इसका मतलब पहला पॉइंट करेक्ट है, दूसरा करेक्ट नहीं है, इसलिए पूछा था नहीं, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर है, एक बार स्पष्ट करो। जी सर। आवाज ठीक जा रही है? यस सर। सर आ रही आवाज, अच्छे से आ रही है। कारण ये है कि शांति है ना, इसलिए आवाज जा रही है। एको कर रहा है सर काफी ना थोड़ा। हाँ थोड़ा सा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। देखिए, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाजशास्त्र के सूटज के सिद्धांत के त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में समझा जाता है? इसमें कौन से पॉइंट्स को हम समझते हैं? देखिए, जीवन विश्व, ऑप्शन नंबर डी, अंतर आत्मनिष्ठा और प्राकृतिक अभिवृत्ति। प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र के सूटज के सिद्धांत त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में जीवन विश्व को समझता है, अंतर आत्मनिष्ठता को, प्राकृतिक अभिवृत्ति को। आप ये सूटज के सिद्धांत है जो त्रिपक्षीय स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। आपको बता दें, सूटज ने एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है? फिनोमिनोलॉजी। और ये कॉन्सेप्ट किसका था? तो ये कॉन्सेप्ट अल्फ्रेड सूटज का था। अल्फ्रेड सूटज ने इसी किताब में फिनोमिनोलॉजी में चेतना के स्थान पर, किसके स्थान पर? चेतना के स्थान पर जीवन विश्व, अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति के बारे में बताया। अंतर विषयकता, जीवन विश्व एवं हम वे सभी या संबद्ध को अपने अध्ययन में केंद्रित महत्व देते हैं, इस प्रक्रिया में इस शब्द को रिलेट कराए। तो सूटज महोदय एक ऐसे विद्वान हैं जिनकी ये पुस्तक देखने को मिली कि जीवन जगत की अवधारणा के बारे में, जीवन जगत की अवधारणा के बारे में उसकी आवश्यक संरचना का वर्णन किया, उसका विश्लेषण किया। तो कभी कभी पूछता है तो याद रखिएगा, घटना विज्ञान के बारे में किसने बताया है तब भी सूटज का नाम आएगा, अल्फ्रेड सूटज का नाम आएगा। या आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि फिनोमिनोलॉजी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है तब भी आप अल्फ्रेड सूटज का नाम आप लोग लगाना उचित समझेंगे, क्योंकि इन्होंने सन 1960 के दशक में इस कॉन्सेप्ट को दिया था, फिनोमिनोलॉजी ऑफ द सोशल वर्ल्ड, ऑफ द सोशल वर्ल्ड 1960 की कॉन्सेप्ट था इन्हीं का। ठीक है, क्लियर रहेगा? यस सर। ध्यान रखिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किसे प्रघटना शास्त्रीय समाज शास्त्र का जनक समझा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है,
जवाब आपको बताना है किसको समझा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो क्या आप सूटज का लगाना ऑप्शन नंबर बी सर सूटज जी सही है जी सर। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट जवाब यहाँ पे, और ऑप्शन जो जाएगा आपका वह ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन। अल्फ्रेड सूटज प्रघटना शास्त्री समाज शास्त्र के ये जनक कहे जाते हैं, ये जनक कहे जाते हैं अल्फ्रेड सूटज महोदय, अल्फ्रेड सूटज महोदय। आपको ध्यान रखना है कि सूटज ने वियना विश्वविद्यालय से कानून से प्रशिक्षित थे, जो समाज विज्ञान की ओर आकर्षित हुए कि कैसे नैतिक और कानूनी मान्यता सामाजिक प्रघटना को प्रभावित करती है। तो सूटज ने घटना शास्त्र सिद्धांत में चेतना के स्थान पर अंतर विषयकता जीवन विश्व है और हम वे वी एंड दे का जो संबंध है वो अपने अध्ययन में केंद्रित महत्व दिया, और साथ ही साथ सूटज ने जीवन विश्व अंतर आत्मनिष्ठता और प्राकृतिक अभिवृत्ति को त्रिपक्षीय स्तंभ के रूप में भी ये जाने, है ना, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और समाज शास्त्र के जनक माना गया अगस्त कामटे को, किसको अगस्त कामटे को माने गया, ये भी बात आपको ध्यान में रखना होगा इसके अंतर्गत, है ना, इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसलिए मैं कहूंगा कि आप लोग उनके बारे में भी ध्यान अवश्य रखेंगे। ठीक है आगे बढ़ेंगे। सर इसमें जो सूरज है उन हसरल का नाम भी आता है प्रघटना शास्त्र में जिन्होंने पहले दिया, तो दोनों में से में आता है किसमें आता है? देखो यहाँ अगर जब नाम आप रिलेट कराते हैं सूटज के साथ, है ना, किसके साथ, जी जी हसरल के साथ, सूटज का नाम किसमें, अच्छा सूटज का, हाँ सूटज, तो यहाँ जब आप फिनोमिनोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो उस हमें उनका नाम देखने को मिलता है, हमें उनका नाम क्योंकि उन्होंने डिजाइन दिया था अनुसंधान के डिजाइन की प्रक्रिया में जो है हर्षल का नाम, मार्टिन हर्षल का नाम देखने को मिलता है, इसलिए अच्छा। कह सकते हो कि घटना विज्ञान में व्यक्ति निष्ठता अनुभव चेतना की संरचनाओं और दार्शनिक अध्ययन घटना विज्ञान समृद्धि शास्त्र दृश्य प्रपंच शास्त्र के प्रतिभावासवाद के रूप में जाने गए थे, तो हर्षल का नाम आप लगा भी सकते हो, उनके साथ नाम आता है सर जी। जो फिनोमिलोजी के फाउंडर हैं वो हर्सेल हैं और जो फादर हैं वो अल्फ्रेड सूटज हैं। अरे भाई मैं क्या बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे सामने क्वेश्चन कौन सा था, ये था कि सूटज के सिद्धांत में त्रिपक्षीय सिद्धांत को रिलेट कराया और घटना प्रघटना शास्त्री का मतलब क्या होता है, फिनोमिनोलॉजी मतलब होता है, फिनोमिनोलॉजी मतलब यही होता है, प्रघटना का जो है इंग्लिश है फिनोमिनोलॉजी, तो उसमें सूटज को ही हमें ध्यान रखना है, लेकिन एडमंड हर्शल का नाम, मार्टिन हाइड जो है हाइडगर का नाम, ठीक है, उसके बाद मॉरिस मॉरले पोंटी का नाम, तीन चार और विद्वान हैं जो 20वीं सदी में आए हैं, इनका भी जिक्र होता है घटना विज्ञान सवृत्त शास्त्र दृश्य प्रपंच शास्त्र में, नाम इनका भी देखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लोग नहीं है, ये भी वही है, इन लोग दर्शन है, ये दार्शनिक विद्वान है, इनका विचार है, इनका मत है, इन्होंने कुछ बातें मानी, उन्होंने कुछ बातें मानी है, लेकिन यहाँ तो सवाल त्रिपक्षीय स्तंभ का था, तो त्रिपक्षीय स्तंभ में हर्षल वगैरह का नाम नहीं आ सकता है क्योंकि उनका विचार ही नहीं इसमें है, क्योंकि उसमें इनका विचार ही नहीं है, परंतु अगर पूछता है प्रघटना शास्त्र में तो मैं आपको बता दूं मार्टिन हाइडेगर का नाम, एक नाम ये याद रखिएगा, दूसरा नाम एडमंड हर्शल का नाम, तीसरा सात्रे, सात्रे एक विद्वान का नाम है, सात्रे जोपाल इसको बोलते हैं क्या, ज पाल शास्त्रे, ठीक है, नोबल पुरस्कार साहित्य विजेता की 1964 में ये विजेता हैं, ये भी बात करते हैं, ये भी अस्तित्ववाद के पहले विचारकों में से माने जाते हैं, इसलिए इनका भी विचार इसमें आता है,
प्रघटना शास्त्री में, और मॉरिस माउरले पोंटी का नाम, और भी विद्वान है, मैंने ये चार विद्वानों का नाम 20वीं सदी बताया, बड़ा फेमस है ये चार ऊर्जा, लेकिन त्रिपक्षीय सिद्धांत में इन्हीं का नाम आएगा, याद रखिए। ठीक है, अस्पष्ट है तो बताइए। जी सर, जी सर, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बाकी तो उन लोगों का भी नाम आएगा, ऐसा नहीं उन लोगों का नाम नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। भारत में अगर समाज शास्त्र का प्रारंभ हुआ था तो 1917 में, 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्टार्ट हुआ था समाज शास्त्र का कॉन्सेप्ट, अगर पूछता है तो बताइए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 32 पर, हैबरमास का नाम, हैबरमास के मार्क्सवाद के पुनर्निर्माण के बारे में सही विकल्प का चयन कीजिए, सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प क्या है, तो अधिरचना की बजाय उद्देश्य परक विवेकपूर्ण क्रिया है, यानी कार्यवाही बोला जाता है, एक्शन पहला सत्य है। उसके बाद आपसे कहता है कि अधिसंरचना की बजाय प्रतीकात्मक संव्यवहार भी करेक्ट है, हैबरमास के मार्क्सवाद के पुनर्निर्माण के बारे में विकल्प है, तो बजाय आप देख सकते हो उद्देश्य परक बजाय, बजाय प्रतीकात्मकता है, वर्ग चेतना की बजाय वर्ग, अब देखो अधिसंरचना काल मार्क्स का था, अधिसंरचना काल मार्क्स का था, समझते चलिएगा, वर्ग का चेतना काल मार्क्स था, तो सवाल क्या है कि हैबरमास के मार्क्सवाद के पुनर्निर्माण के बारे में सही विकल्प, तो उद्देश्य परक हैबरमास का, प्रतीकात्मक हैबरमास का, और वर्ग चेतना की बजाय आत्मचिंतन का सामाजिक तरीका हैबरमास का। ठीक है, ये आत्मचिंतन का, आत्मचिंतन की बात नहीं होगी, वर्ग चेतना का तो होगा, लेकिन आत्मचिंतन सामाजिक तरीका जॉर्ज मीट का नाम आ जाता है, ये आप हटा दीजिए, इसे आप हटा दीजिए, लेकिन वर्ग संघर्ष की बजाय वर्ग प्रतिस्पर्धा, ये आपका हैबरमास, और पहला दूसरा और चौथा कर लीजिए, आपका बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आदि संरचना के स्थान पे उद्देश्य परक विवेकपूर्ण क्रिया जो है, प्रतीकात्मक संव्यवहार, और वर्ग संघर्ष के स्थान पे प्रतिस्पर्धा, हैबरमास के मार्क्सवाद के पुनर्निर्माण के बारे में सही बताता है। हैबरमास के अध्ययन का आधार यह है कि सो उद्देश्यपूर्ण बुद्धि, ठीक है, संग्रहिता दैनिक जीवन में शामिल होती है। हैबरमास ने यह विचारधारा मैक्स वेबर से ग्रहित किया था। हैबरमास संचार क्रिया का प्रयोग करता है, जबकि मार्क्स आर्थिक क्रिया का प्रयोग करता है। मार्क्स की बात करता हूं आर्थिक क्रिया, और हैबरमास संचार की क्रिया, और संचार की क्रिया की वजह से पहला दूसरा और चौथा सही है, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 33, समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, किससे संबंधित है ना, बताइए। सामाजिक व्यवस्था के ऑप्शन नंबर डी से है, मूल आधार से है। समाज के अध्ययन के लिए लोक विधि शास्त्र एक उपागम के रूप में सामाजिक व्यवस्था के मूल आधार से है, और ये बात करेक्ट है, पहला सही है। समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैं आपको बता दूं कि समाज के नियम, उपनियम, व्यवस्था आदि को बनाए रखने के लिए जन सामान्य जिन विधियों को काम में लेता है, जिनके माध्यम से लोगों की धारणाएं बनती हैं या उनमें परिवर्तन लाया जाता है, इनका अध्ययन ही एथनो मेथडोलॉजी कहा जाता है, और एथनो मेथडोलॉजी को ही लोक विधि मान्य कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, इसलिए ऑप्शन आपका पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की कार्य सहभागिता की दर काफी बढ़ गई, क्या ये बात सही है? जी सर। ओके, अगर आप कह रहे हैं कि काफी बढ़ गई है तो ठीक है,
दूसरा कहता है कि शिक्षा और कौशल विकास के अवसर ग्रामीण महिलाओं के बीच में बढ़ गई है या बढ़ गए हैं, ये भी बात सही है, ये भी सही है। क्या बता सकते हो व्याख्या है या नहीं है? नहीं है सर। व्याख्या नहीं है? नहीं है सर। बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल करेक्ट जवाब। भारत में अर्थव्यवस्था की अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं की कार्य सहभागिता की दर अधिक बढ़ गई। सरकार लघु कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित कर रही है जिससे नारियों की भागीदारी बढ़ रही है। शिक्षा और कौशल विकास के अवसर ग्रामीण महिलाओं के बीच भी बढ़ गए हैं। भारत सरकार द्वारा महिलाओं समृद्धि योजना, सर्व शिक्षा अभियान आदि ऐसी योजनाएं हैं जिनका क्रियान्वयन किया जा रहा है या किया गया है जिससे महिला का विकास में वृद्धि हो रही है। तो महिलाओं के कार्य सहभागिता की बात कर रहा है यहाँ। आर जो है गांव की शिक्षा और कौशल के विकास में वृद्धि करने की बात कर रहा है। इसलिए आपका दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होंगे, परंतु व्याख्या नहीं होगी तो ऑप्शन नंबर क्या जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी होगा। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और आगे हम लोग बात करेंगे अब कल के क्वेश्चनों में, और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 35 आपने यूजीसी नेट सोशल वर्क में देखा होगा, बीजिंग, मेस्को, नरोबी, जो है कोपेनहेग में, है ना, इनकी जो है स्कीम है, एक प्रकार की योजनाएं हैं, ठीक है। ये मैं कल आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ओके। हेलो, हेलो सर। हाँ।